अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हालचाल? ठीक ठाक। तो अभी शाम के तकरीबन 6 बज चुके हैं, तो मैं निकल गया हूँ बाइक लेकर। तो मैंने कहा आज मोटर ब्लॉग करते हैं, और आज मैंने जो बाइक है वो भी अपनी धोई थी अच्छी तरीके से, तो कैसे चमक रही है जैसे माशाल्लाह न्यू बाइक हो। तो आज काफ़ी दिनों बाद इतनी सफाई हुई है, तो बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है बाइक। तो अभी चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बाइक की जो बैटरी है तो वो भी अभी ना फ़िलहाल इस तरह की है, तो इतनी कोई ख़ास नहीं है। तो अभी बाइक स्टार्ट हो गई थी, तो अभी जो है वो कह रही मैंने नहीं स्टार्ट होना। तो हो जा यार, बिस्ती ना करवा दी। हो गई स्टार्ट, शुक्र है। तो अभी चलाते हैं इसे, 2 मिनट चलेगी तो फिर ये ठीक हो जाएगी। तो अभी निकलते हैं यहाँ से। तो आज काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा के ना जो मैंने अपनी बाइक है वो धोई है, धो के फिर साफ़ की है और पॉलिश की है, वैक्स की है। तो माशाल्लाह ये स्टिकर आपको नज़र आ रहा है कि पहले नहीं नज़र आ रहा, ये वाला स्टिकर है ये वाला। तो काफ़ी ज़्यादा जो है प्यारा लग रहा है। उम्मीद है कि जो आवाज़ है वो भी अच्छी आ रही होगी, तो और एंगल भी जो है वो भी ठीक ही आ रहा होगा। आज निकलते हैं इस रूट की जानब। तो ये वाला जो रूट है वो काफ़ी ज़्यादा साफ़ होता है। अक्सर मैं दूसरे रूट पे निकलता हूँ, तो वो तो आपने काफ़ी ज़्यादा घुमा हुआ है। आज जो है नया रूट लगाते हैं। वैसे ना मेरा दिल कर रहा है इस तरह की एक जीप ले लूँ, लेकिन इतने पैसे नहीं हैं जो बात आ रहा है, पैसे नहीं हैं। तो जी अभी हम पहुँच चुके हैं बाईपास पे, तो यहाँ से हो जाएंगे दाएं तरफ टर्न। तो ये यहाँ पे गेट बन रहा था, तो अभी तक ही नहीं बना। दूसरा गेट जो था इसका बाद में शुरू हुआ है वो बन चुका है, तो ये अभी कंप्लीट ही नहीं हुआ, तो उन्होंने दूसरा कंप्लीट कर दिया। तो यहाँ से हो जाते हैं दाएं। पहली मरत भाई मेरा ख्याल मैं ये रूट जो अपनी बाइक पे लेने लग रहा हूँ। क्या कर रहा है भाई, आराम से चला ले। मैं सोच रहा हूँ कि यहीं से वापस कर लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा लंबा जो है रूट हो चुका है हमारा, तो यहीं से जो अपनी बाइक है वो वापस कर लेते हैं। नहीं तो आगे जो वैसे भी सड़क जो है बाईपास सारा टूटा पड़ा, तो फ़ायदा कोई नहीं जाने का, तो यहीं से है हम वापसी कर लेते हैं। ले जी समुद्री वापस पहुंच चुके हैं। तो तकरीबन ये राइड होगी मेरे ख्याल से 15 से 20 मिनट की। तो अभी निकलते हैं यहाँ से घर। तो गाइस मैं अभी जो दोबारा है तो वो उसी रूट पे आ गया हूँ जहाँ से मैं अभी निकला था। तो मेरे बाइक के जो पुर्जे दो वो जो है वो यहीं पे गिर गए। दोबारा ढूंढने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ, तो कोशिश है कि चला मिल जाएंगे। अगर ना मिले तो नुकसान फिर बाइक का हो चुका है काफ़ी ज़्यादा। तो जब मिल जाएंगे तो तब दिखाऊंगा कि क्या चीज़ घूमी थी, अगर नहीं मिले तो भी दिखाऊंगा। तो वो अभी दिखा देता हूँ कि कौन सी चीज़ है जो घूम गई है। तो यहाँ पे होती है बात है वो जो है वो अभी घूम गई है, तो अभी देखते हैं रस्ते में कहीं गिरी मिल गई तो उठा लेंगे, नहीं मिली तो फिर क्या कर सकते हैं, नुकसान होना था बहुत हो गया। ये दोनों साइड की है वो दोनों गिर गई हैं, तो अभी देखते हैं यहाँ पे मिल जाएगा नहीं मिलते। दोनों पार्ट्स जो है वो मिल गए, यहाँ पे पड़े थे एक वो आगे पड़ा, शुक्र है दोनों मिल गए। लगता है किसी ने उठा के साइड पे रख दिए थे, तो दोनों मिल गए। तो अभी यहाँ से चलते हैं जल्दी जल्दी, फोन दे रहा तो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तो अभी निकलते हैं यहाँ से। तो गाइस अभी मैं घर आ गया, तो आपका भी बताता हूँ मेरे साथ हुआ क्या। तो आपने व्लॉग जो है तो वो तो देख लिया होगा सारा, कि कैसे मैं घर से निकला हूँ मोटो व्लॉग के लिए और कैसे मैं वहाँ पे जा रहा था। तो जब मैं घर आया हूँ तो घर आके यहाँ पे हमारी गाड़ी नहीं खड़ी नहीं ना आपको नज़र आ रही, तो यहाँ बाइक की गाड़ी खड़ी होती है, तो भाई अपनी गाड़ी ले गए। तो मैंने अपनी गाड़ी जो मुजम्मल के घर से यहाँ पे खड़ी करनी थी, तो मैं आया हूँ घर, तो घर आके मैं अपनी गाड़ी खड़ी करने के लिए मुजम्मल के घर जाने लगा। तो मैं यहाँ पे आके देखा तो एक बाइक का ना ये वाला जो पुर्जा है, तो ये नहीं था बाइक ऐसी थी। तो यह आपको नज़र आ रही होगी किस तरह की लग रही है, महसूस होता है बाइक। तो ये सिर्फ एक पुर्जा नहीं था, ये दोनों पुर्जे ना ये वाला भी यहाँ से गायब था। तो मेरे तो रंग उठ गए, तोते भी उड़ गए। तो मैंने उसी वक्त बाइक निकाली है, तो मैं जिस रूट से गया था मैं दोबारा उसी रूट पे गया हूँ, तो शायद किसी मिल जाए, शायद किसी मिल जाए। तो अम्मी कह रही है कि मैंने भी दुआ की थी कि इसके जो भी पार्ट्स हैं वो मिल जाएं, और मैं भी जाता जाता इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उनकी तस्बीह जो है वो करता गया। तो शुक्र है रस्ते में मिल गए। तो आपने देख लिया कि एक साइड पे पड़े थे, तो अल्लाह का कोई बंदा ही था जिसने देख लिया, उसने उठा के हिफाजत के साथ साइड पर रख दिया, अपने घर नहीं लेके गया या उसने सड़क पे पड़े रहने नहीं दिए, उसने साइड पर रख दिया। हो सकता है कि जब मैं वहाँ से गुजरा हूँ तो आस पास से किसी ने जो था उसने देख लिया होंगे, तो उन्होंने
उठा के साइड पे रख दिया कि बाइक का है तो दोबारा आएगा लेने के लिए, तो शायद हो सकता है। तो शुक्र है मिल गए। तो अभी मैं इसे नट लगा के और कस के रखूंगा। मैंने इसलिए ये नट नहीं लगाया हुआ इसके क्योंकि ये बैटरी आजकल तंग कर रही है, न्यू रखवाई थी तो वो तंग कर रही है, तो इसलिए मैंने खोल के रखे थे बाइक स्टार्ट करने के लिए, थोड़ा सा पता इशू, तो इसलिए मैंने खोल के रखे थे। अभी नट लगा दूंगा इसके मैं, तो अभी फिलहाल जो गाड़ी है मैं वो खड़ी कर दूँ। अब अब्दुल्ला क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र जी। अब्दुल्ला दिल्ला क्या हाल है? ठीक हो? तो अभी जी गाड़ी है वो निकालते हैं, गेट खोल लेते हैं। खुल चुका है अब्दुल्ला, साइड पे हो जाए, गाड़ी निकालनी है। तो गाड़ी निकाल लेते हैं। तो गाड़ी जो है काफ़ी ज़्यादा गंदी हो गई है, कोई नहीं, खैर है, इसे ऐसे ही निकाल लेते हैं इसे बाहर। तो ये जो आपने बच्चा देखा है माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा क्यूट है, तो जब मैं शवान में वगैरह लगाया करता था ना तो मेरे पास आके बैठा रहता था, तो काफ़ी शरारती है, तो तंग भी काफ़ी ज़्यादा करता था मेरे शवान पे जो है। तो ये कहता था मैंने तुम्हारी सीट में बैठना है, यहाँ पे तुम बैठते हो ना बड़ा अच्छा लगता है, जैसे दुकान जैसी बनी हुई थी तो वहाँ पे बड़े शौक से बैठता था ये। तो अभी जो गाड़ी है वो स्टार्ट करके तो गाड़ी कर लेते हैं घर। अभी गाड़ी का जो ए सी है वो भी ठीक करवाना है, तो गाड़ी गर्मियों में चलाना तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम हो जाता है, तो अभी जो इसका ए सी ठीक करवाया नहीं है मैंने, तो शीशे वगैरह मैंने खोली हैं, तो फैसलाबाद से करवाना था, वो अभी देखते हैं, टाइम नहीं लग रहा यार, तो इसका ए सी ठीक करवाते हैं। इससे बगैर ए सी के गाड़ी में ना बैठा जाता है ना गाड़ी चलती है गर्मियों में, तो अभी निकाल लेते हैं गाड़ी बाहर और खड़ी कर लेते हैं वहाँ पर। गाड़ी जब मैंने खड़ी की थी बिल्कुल दीवार के साथ लगा दी है, तो आप देख सकते हैं कितना कम फासला है। तो अभी मुझे डर लग रहा है कि कहीं दीवार के साथ लगना जाए, यहाँ से इस तरह मोबाइल से नज़र रखते हैं कहीं दीवार के साथ लगना जाए, तो गाड़ी जो है वो निकाल लेते हैं बाहर, लगी ना जाए कहीं पे। सामने वहाँ पे लकड़ियाँ पड़ी हैं और पीछे जो है वो दीवार के साथ लग रही है, और जहाँ पे पड़ी हैं लकड़ियाँ तो इंशाल्लाह लगेगी नहीं। अरे लकड़ी फंस गई है, कोई कौन सी है जो सी है मैंने तोड़ देनी है। हाँ ठीक है, तो इधर से भी देख के तो गाड़ी निकाल लेते हैं, फिर लाइट्स ऑन कर लो। अब ठीक गाड़ी जो है वो निकल गई, तो गेट जो है वो लगा देते हैं अभी। चलो भाई गाड़ी जो है अभी घर जो है वो खड़ी कर, गाड़ी जो है वो खड़ी हो चुकी है, तो अब मेरा पसीना जो है वो दिल से, कितना ज़्यादा गर्मी हुई है उधर, तो गाड़ी की लाइट्स ऑन ही रहेगी, बंद कर देता हूँ और पीछे से बम्पर जोड़ के मैंने खड़ी कर दी थी। हाँ जी गाइस, तो अभी मैं अपने रूम में आ गया, तो आपको ये दिख रहा होगा तो काफ़ी ज़्यादा गंदा था, तो आज जो है मैंने सफाई कर दी है, तो काफ़ी ज़्यादा साफ 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 हो गया, तो अच्छा लगता है। तो अभी तकरीबन बज गए हैं तकरीबन 11, तो मैं अभी व्लॉग जो है वो अपना एडिट कर रहा हूँ। तो आज के जो माइक की आवाज़ है तो वो भी अच्छी नहीं थी, तो ये भी माइक जो है पता नहीं समझ नहीं आ रही, मोटो व्लॉग कर सकूंगा कि मैं नहीं कर सकूंगा, अभी फिलहाल कुछ नहीं समझ आ रहा। अगर किसी को अच्छे माइक का पता हो तो मुझे लाजमी बताए कि यार अच्छा माइक है ये इस्तेमाल करके दे, क्योंकि जो था एक अच्छा माइक है वो कंपनी मुझे नहीं याद पहुंची है, वो यार पुरानी कंपनी है उसकी है, तो उसका माइक भी इस्तेमाल किया वो भी नहीं है, हैंड फ्री वाला माइक इस्तेमाल किया वो भी अच्छा नहीं है, तो अभी कुछ नहीं पता। लेकिन जो आज बाइक के साथ हुआ तो मेरे तो एक मरतबा रंग भी उठ गए थे, तो शुक्र है कि वो पार्ट्स मिल गए हैं। तो आज का जो ब्लॉग है उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को करें सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों से लाजमी सब्सक्राइब करवाएं, आप भी सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों से भी करवाएं, और थोड़ा सा सपोर्ट करें, सपोर्ट्स कह रहा हूँ सपोर्ट करें थोड़ा सा, तब तक इतना ही, अल्लाह हाफिज़।